करते धमाके, यहाँ पे नया अपडेट आ चुका है। देखो चिल फेस यहाँ पे निकल आ चुका है, आपको टोकन कब मिलने वाले और नया अपडेट लिस्टिंग डेट कब यहाँ पे आ चुकी है। देखो टोकन इतने सारे रिसीव होने वाले बहुत सारे लोगों को, यहाँ पे देखो इतने सारे टोकन मिलेंगे यहाँ पे, लगभग 34 कितने बिलियन होंगे, इतने बिलियन आपको यहाँ पे मिलने वाले, 345 बिलियन जितने भी होंगे इतने आपको टोकन मिलने वाले हैं, ठीक है, एक्स कम्युनिटी को। और साथ ही 70% आपको टोकन मिलने वाले थे, अभी उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, 5% और टोकन एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो 70% यहाँ पे चिल फेस जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो टोकन आपको अभी नहीं मिले। अगर हम देखेंगे जाके भी इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है और क्या इन्होंने यहाँ पे नया अपडेट दिया है कि जो लिस्टिंग डेट है वो कब को हमें टोकन फाइनली देखने को मिलेंगे और प्लस यहाँ पे टोकन कितने रिसीव हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसके एक्सएम्पायर में जाके चेक करते हैं क्या कुछ वहाँ में नया अपडेट देखने को मिल रहा है या नहीं। तो जैसे हम एक्सएम्पायर के अंदर आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल लोगों का यही हो रहा है कि भाई एक्सएम्पायर के टोकन कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, सब लोग यही सर्च कर रहे हैं आके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एयरड्रॉप पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें कोई अपडेट नहीं देखने को मिल रहा, वही चल रहा है यहाँ पे टोकन इन प्रोग्रेस वगैरह, द माइनिंग फेस एंडेड। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे एयरड्रॉप वाला ऑप्शन में यहाँ पे भी कोई अपडेट जो है वो नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है। तो वॉलेट कनेक्ट ये सारी चीज़ें जो पहले थी वो सेम के सेम है, फ्रेंड्स वाले पे भी कुछ नहीं, आपको सेम वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो नया अपडेट है इसके अंदर बता रहे कि फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है यस वी हैव इंडिड रिसीव द टोकनॉमिक्स। तो यहाँ पे देखो जो टोकन्स है ना, तो ये टोकन आपको मिलने वाले हैं। तो उसके नीचे यहाँ पे लिखा है वी हैव एलोकेटेड यहाँ पे देखो इंदर यहाँ पे एंड एडिशनल यहाँ पे 345 मिलियन टोकन जो है वो एडिशनल यहाँ पे बढ़ा दिए, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको 5% बढ़ाए गए हैं। तो पहले इनकी सप्लाई जो थी वो 70% थी, अभी इनकी टोटल सप्लाई 5% और बढ़ा दी, 75% हो गई है, मतलब और ज़्यादा लोगों को ज़्यादा टोकन्स देखने को मिलेंगे, लोगों का ज़्यादा फायदा होगा। तो कम्युनिटी को इन्होंने जो है यहाँ पे 5% और 345 मिलियन टोकन और बढ़ा दिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन द यहाँ पे नंबर्स एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट 70% ऑफ द सप्लाई बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट यहाँ पे फेस एंड द क्राइटेरिया डिस्ट्रीब्यूट इन द प्रीवियस पोस्ट। इन्होंने बताया कि जो हमने यहाँ पे 70% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करे तो वो लॉक ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन 5% और लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे 70% का नंबर वो ऑलरेडी लोगों का लॉक हो चुका है, ठीक है। 70% तो पहले ही मिल जाएंगे, लेकिन 5% और आपको एक्स्ट्रा बाद में देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है राइट नाउ वी आर इन द फाइनल स्टेजेस इन आयरनिंग इन द टेक्निकल डिटेल फॉर द TGE टू इंश्योर यहाँ पे ए स्मूथ एक्सपीरियंस ऑल ऑफ यू। मतलब जो TGE होने वाले, जो यहाँ पे जितने भी एक्सचेंजेस इसके अंदर आने वाले हैं, ऑन चेन तो आ चुका है, यहाँ पे ऑफ चेन जो है वो आपको देखना हो TGE इसका यहाँ पे होने वाला है। तो जितनी भी एक्सचेंजेस होगी यहाँ पे बाइनेंस के, क्या पता है बाइनेंस के ऊपर आए या फिर यहाँ पे बिटगेट के ऊपर तो आएगी, बायबिट के ऊपर, यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई किसकी है, सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा था वो आ रहा था भाई लिस्टिंग डेट आखिर कब को हमें टोकन देखने को मिलेंगे। तो अभी लिस्टिंग डेट जो इन्होंने दी वो अक्टूबर की दी है अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है द लिस्टिंग डेट विल बी टेक प्लेस इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर, वी विल अनाउंस द एग्जैक्ट डेट इन द कमिंग डेज। मतलब यहाँ पे जो आने वाला है, ठीक है, आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे डेट मिल जाएगी, लेकिन फाइनल डेट नहीं हुई। लेकिन अगर यहाँ पे आप देख रहे हो सेकंड हाफ जो लिखा हुआ है, सेकंड हाफ अक्टूबर, तो अक्टूबर का जो सेकंड हाफ है मतलब यहाँ पे 10 से 15 के बीच में ही होता है, ठीक है, 15 तारीख के पहले पहले या फिर आपको 15 के करीब आपको जो है इनका सेकंड हाफ में, जैसे ही अक्टूबर का यहाँ पे सेकंड हाफ होगा 15 से 20 के बीच में, या आपको यहाँ पे 10 से 15 के बीच में जो है इनका आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप मान के चलो 15 से 20 के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा जो भी अक्टूबर के यहाँ पे लिस्टिंग डेट होगी। तो लिस्टिंग डेट आपको पता चल चुकी है, तो हमें पहले पता था यहाँ पे अक्टूबर में होने वाला है, लेकिन फाइनल यहाँ पे जो डेट है फाइनल डेट अभी भी नहीं आई, कमिंग डेज इन्होंने दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लिस्टिंग डेट आपको पता लग गई यहाँ, एंड टू कीप यहाँ पे थिंग्स इंटरेस्टिंग फॉर यू बेस्ड ऑन यहाँ पे नंबर्स रिक्वेस्ट वी डिसाइडेड स्पेस ऑफ द यहाँ पे वेट फॉर द लिस्टिंग विद ए यहाँ पे नाइस बोनस फ्रॉम आवर साइड। ये जो 5% का बोनस आप लोगों को मिल रहा है, आप सोच रहे होंगे कि अभी आपको मिल जाएगा 5% का बोनस, ऐसा नहीं है। दैट्स वाई टुडे यहाँ पे आर लॉन्चिंग द यहाँ पे चिल फेस, इन्होंने जो अभी लॉन्च करा है ये चिल फेस, जो पुराने लोग यहाँ पे काम करते आ रहे थे उनके लिए भी होगा, और ये चिल फेस जो नए बंदे यहाँ पे इसमें ज्वाइन हुए हैं, नीचे पढ़ते यहाँ पे देखो दीज यहाँ पे 34.5 बिलियन, मैं आपको बता रहा था 345 मिलियन, ये बिलियन है, 34 बिलियन के करीब यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा 34.5 बिलियन एक्स्ट्रा टोकन होंगे, जो एक्स के एक्स्ट्रा टोकन होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये
345 मिलियन नहीं 34.5 बिलियन होने वाला है, ठीक है। तो मैं बहुत सारी जीरो है यार, मैंने पढ़ा ली उसको पूरा। यहाँ पे टोकन, यहाँ पे देखो वी विल भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट अमंग द प्लेयर्स हु यहाँ पे पार्टिसिपेट इन द चिल फेज। दिस यहाँ पे फेज विल बी वेरी शॉर्ट और एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एंड वी एंड विल ओनली लास्ट कपल ऑफ वीक्स। मतलब जो चिल फेज हुआ है कुछ ही यहाँ पे बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम के लिए ही लोग इसमें 5% जो एयर ड्रॉप होगा वो लेके जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे जो एक्स एम्पायर है जिसके अंदर यहाँ पे जो इनका मिनी एप्लीकेशन है उसके अंदर कुछ और अपडेट भी आएगा और हमें वहाँ कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने के बाद ही हम जो कुछ यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए कुछ गेम वेम जो भी खेलना पड़ेगा उसके लिए आपको 5% का और एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो पुराने हैं उनको भी ऑल द यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स वी विल बी रेस्ट, जो इतने कैरेक्टर थे वो सारे रेस्ट पे चल रहे हैं लाइव। यहाँ पे डायनेमिक सारी चीज़ें इसको देखते हैं। तो 70% टोकन यहाँ पे एलोकेटेड फ्रॉम द फर्स्ट फेज एंड यहाँ पे मतलब जो 70% टोकन थे उन्होंने फिक्स कर दिए वो सभी के लिए, वो सभी को 70% मिलने वाले हैं अभी के अभी। यूर पार्टिसिपेशन और नॉन पार्टिसिपेंट इन द यहाँ पे चिल फेज वी विल नॉट इफेक्ट देम इन एनी वे। मतलब जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली और जिन्होंने नहीं करा जो बाद में कर रहे हैं उनके लिए भी। यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर टू पार्टिसिपेट और नॉट इंटायरली यहाँ पे अप टू यू, यहाँ पे वी हैव लव यहाँ पे यू इधर वे। ठीक है, इसको देखते हैं उसके बाद आगे जो लिखा हुआ है। बट ऑन द अदर हैंड स्टॉपिंग मच लोअर कॉम्पिटिशन एंड यहाँ पे शॉर्टर, ये भी कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे थिंक अबाउट इट, उसके बाद लिखा हुआ है इन्होंने इट सीम्स लाइक ए गोइंग टू बी फास्ट वन एंड यहाँ पे वाइब्रेंट। मतलब जो इसका अगला वाला जो सीजन आप 5% के लिए बोल सकते हो, सीजन टू एक समझ सकते हो आप उसको, उसमें हम कुछ ना कुछ काम करेंगे उसके बाद हमें 5% देखने को मिलेगा। तो इट्स ए ग्रेट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फॉर ओल्ड प्लेयर्स टू फील यहाँ पे द रश। जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे अच्छे यहाँ पे फील देख सकते हो, रश वाली प्लस यहाँ पे एंड स्पीड ऑफ यहाँ पे प्रोग्रेस वंस मोर, एक बार और आपको मौका मिल रहा है 5% टोकन कमाने का प्लस यहाँ पे एंड फोर यहाँ पे न्यू कमर्स हु रिसेंटली ज्वाइन। मतलब जो जो लोगों ने अभी बहुत सारे लोग बाद में आए एक्स एम्पायर को ज्वाइन कराया जिन लोगों ने, तो उन लोगों को तो ज़्यादा यहाँ पे टोकन वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो उनको टोकन्स कमाने के लिए उन्होंने 5% वाला है कि 34 बिलियन का ऑफर निकाला है। तो यही समझ आ रहा है इसको पढ़ने के बाद। उसके बाद यहाँ पे रिसेंटली ज्वाइन यहाँ पे इस चांस टू बी फाइट यहाँ पे फोर एंड द एयर ड्रॉप, ठीक है, ये एक और चांस आपको मिल रहा है। प्लस यहाँ पे देखो द टोटल एयर ड्रॉप एलोकेटेड फॉर द यहाँ पे कम्युनिटी विल बी 75% कर दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे टू स्टार्ट इज कमिंग पे गेट रेडी। तो यहाँ पे जल्दी आपको जो लिस्टिंग डेट है वो आपको देखने को मिलेगी कब को, यहाँ पे अक्टूबर के हाफ में, जैसे 15 से 20 तारीख के बीच के अंदर शायद आपको देखने को मिल सकती है या फिर 10 से 15 अक्टूबर के बीच में हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अच्छी बात ये है, पहले आपको 70% सप्लाई मिल रही थी, अभी आपको यहाँ पे जो है पूरी 75% सप्लाई देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक आई हेड विजन वाला कुछ डाला था, ये जाके चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये आ चुकी है जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, प्लस यहाँ पे जो है उसके बाद जो क्राइटेरिया था वो ऑलरेडी पिछली वाली वीडियोज में आपको समझा चुका हूँ कि भाई टोन ट्रांजेक्शन इतना जरूरी नहीं है, बस अपना वॉलेट कनेक्ट करके रखो आपका काम हो जाएगा। अभी भी इन्होंने कहीं भी टोन ट्रांजेक्शन वगैरह की बात नहीं की और जो मैंने बात पहले करी थी, अब से पहले जब टोन ट्रांजेक्शन नहीं करा था लोगों ने तब आप लोगों को बता देता और यहाँ पे मैं सही निकला था उस चीज़ को लेके और आपको मैं उसके ऑलरेडी वीडियो बना के दे चुका हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं भाई, देखो अगर आप यहाँ पे कुछ भी कर रहे हो तो आप हमारा ज़रूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सस्ती सस्ती डील्स मिल रही है। तो टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में और नए नए एयर ड्रॉप आपको यहाँ पे मिल जाते हैं देखने को। तो ये सारे एयर ड्रॉप जाके ज्वाइन कर लो जिसमें आपको यहाँ पे फायदा हो रहा है, ठीक है। तो जाओ जल्दी से जाकर फायदा उठा लो। बची थी वीडियो पसंद है प्लीज लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते, मैं इसी वीडियो अपडेट लाके देता रहूँगा, जो भी नया अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। थैंक यू। प्लस इससे पहले जो दो मैंने वीडियो डाली भाई, दो तीन वीडियो, उसमें वीडियो क्वालिटी वॉइस क्वालिटी बहुत बेकार थी, इस वजह से मैं आप लोगों को सबको सॉरी बोलता हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन अभी से क्योंकि मेरा कैमरा खराब हो गया था इसलिए आप लोगों को ऐसी वीडियोज़ देखने को मिली थी, लेकिन अभी से जैसी ये वीडियो ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बस इतनी वीडियो, थैंक यू।